my mental health is not very good. So I would like to ask you, what is it that could provide me remedy for the chaos that I am in? हर एक इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं। जब हम मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए एक वो ग्रैंडेस्ट मेंटल स्ट्रक्चर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे। मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, तो आई थिंक ऑफ माई 80th बर्थडे। आई सी माई सेल्फ दी हैप्पीएस्ट, दी हेल्दीएस्ट, दी बेस्ट स्टेट एवर। आई थिंक कि जहाँ पे यू नो ऑल द पीपल इन माई लाइफ जो मेरे लिए अहम है, I see my parents there. मैं अपने आप को अपनी 80th birthday पे wheelchair में नहीं देखती, and I don't even see my parents in a wheelchair. I see them very happy. I see all of you there, and I, you know, so that's my image. जहाँ पे मेरा एक purpose है अपनी ज़िंदगी का, एक vision है, मैं वो जो सोचती हूँ, I'm working towards it. जो मुझे purpose देता है, मुझे continuity देता है, मुझे daily push forward करने के लिए वो vision देता है। जहाँ पे मैंने इतनी long term planning भी की हुई है, उसके साथ साथ हर वक्त याद दिलाती हूँ अपने आप को कि I don't know if I'll be alive after an hour. तो मैं क्या कर सकती हूँ? This moment, right now, this now, ये ज़िंदगी है. Making the most out of this one moment, of this 5 minutes, this 1 hour, मेरा आज का दिन determine करेगा कि I had a great day or not. तो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा future में worry करके नहीं गुजारना, और बहुत ज़्यादा past में depressed होकर नहीं गुजारना. ज़िंदगी आज अभी इस लम्हे में गुजारनी है, क्योंकि ज़िंदगी राइट इज राइट नाउ हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस. सो दिस इज़ व्हाट हेल्प्स मी हैविंग दैट 80th बर्थडे का स्ट्रक्चर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, एंड आई सी ऑल ऑफ यू देयर. फॉर्चुनेट ऑफ अस. यस, मगर रियलाइजिंग दैट आई विल डाई द नेक्स्ट आवर, सो इट ब्रिंग्स मी दैट पर्पस बैक कि मैंने अपना ये लम्हा, अभी जो लम्हा है, ये ज़िंदगी है मेरी जो आपके साथ अभी, आई एम लिविंग इट. आई हैव टू put all my intent and focus in this moment. That really helps. You talk about 80th birthday ki taraf aap dekh rahi hain. Death ka bhi aapko koi pata nahi kis time aane wala hai. Lekin health ki kya guarantee hai? Aapki kaise energy same rahegi aur kis tarah se aap usko usi energy se celebrate karenge? Jab aap daily basis pe apni healthy eating ka khayal rakhenge, jab aap daily basis pe apni physical activity ka khayal rakhenge, aur jab aap realize karenge ki aapki healthy eating sirf wazan kam karne ke liye hi nahi hai. Aapki healthy eating आपके ब्रेन को फ्यूल करती है. आप अपने ब्रेन को फ्यूल करेंगे तो आपका ब्रेन पॉजिटिव, गुड, ग्रैंडेस्ट स्ट्रक्चर सोचेगा. 80% काम न्यूट्रिशन का है, 20% काम फिजिकल एक्टिविटी है, मगर 100% काम आपके माइंडसेट का है.